राम राम जी, आप सभी भाइयों को तो आपको एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं श्री बालाजी धाम, सालासर बालाजी। एक मेहंदीपुर बालाजी है, एक सालासर है। सॉरी, हम सालासर नहीं, आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। मैं हूँ और मेरे साथ तीन चार भाई और हैं। अभी मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ और फिर चलते हैं, आगे की जर्नी शुरू करते हैं अपनी बालाजी धाम की। बोल बालाजी महाराज की दया, मंगल का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। तो आज हम मन हुआ हमारा जाने का, तो आज हम चल रहे हैं। चलो खेड़ा जी के ऑफिस पे पहुंच चुके। अच्छा, ये शुरू कर दी तो चलो फिर। कितनी देर में चल रहे हो? चलो चलो। ये हवा तो आ रही है बराबर। बना दो रील, बना दो यार, कुछ स्टार्ट कर दो। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? स्टार्ट हो गई। हम ये कहना चाहेंगे अगर एकदम बन गया प्रोग्राम। बुलावा आ गया एकदम हमें। वेलकम टू दोस्त। जय हो बालाजी महाराज की। जय हो बालाजी। नहीं नहीं, वो ना जा रहा, और अपने यहाँ से निकलेंगे सीधे यमुना से, मथुरा होते हुए। आज तो नहीं घर हूँ, आज मैं ये जा रहा हूँ बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान। मैं अकेले वाले के पास 5-5.5 लाख का है कैनन का। बड़ी ऊंची सीट में है। बैठ के चले। चलो अच्छा ले लो चाय, ले लो और लो एक दो घूट, ले लो चाय की सिप। बाप ना लो, लो जी लो। पहले दो घूट लिया तो हम घर से लेके चले ठंडी चाय। हां भाई, हां जी। घने दिन पीते थे? नहीं, घने दिन में ना मीठी मुझे नशा करे। नमकीन तो मैं पीता हूँ रोज, वो थैली वाले में वो बात क्या है, इसमें तो मजा अलग है। तो भैया अभी चलने के बाद लगभग 50 किलोमीटर चल लिए। 50 किलोमीटर हो गए होगा। 50 किलोमीटर बाद एक ब्रेक ले ली बड़ी जल्दी सी। छाए को ब्रेक चल रहा पीछे, मीठी छाए चल रही है टनाटन वाली। केड़ा जी को पीते नींद आनी शुरू। केड़ा जी है, दो तीन छाए के दो तीन सिप लिए नशा उसका। केड़ा पहला टोल यमुना। ये इधर की वीआईपी की लाइन है? नहीं, ये खराब हो रहा है, सामने वाले टोल खराब है। या मैं से इस वाली में ले लो, बराबर वाली में। काला होगा पूरा अपना, और ये आगे जो है गैप है, ये अपनी भट्ट भट्ट मथुरा टोल आ गई। तो यहाँ से आगे हमें कितने चल रहा? मथुरा से आगे, मथुरा टोल से आगे थोड़ा सा ही तो चल रहा, क्योंकि मथुरा तो हम उतरेंगे ही बस है। बड़े तकड़े यार ब्रेकर लगा रखे हैं। मथुरा आ गए जी, मथुरा टोल पे ला जा। फाइनली अब जो है मथुरा का कट आने वाला है, तो यहाँ से हम उतरेंगे। अब ये हमने लगभग 100 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेस से पार कर दिया है, और गाड़ी अपनी ये यहाँ पर खड़ी है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, बाहर धूप है तेज। नमस्कार जी, यार बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है अंदर के मुकाबले। अंदर तो अच्छा होगा, बाहर तो बिल्कुल गर्म हो रहा है। चलो कोई दिक्कत ना, ना भाई यू नो, अगर फाइनली अब जो मिलेगा तो हो सके, वरना कट आने वाला हमारा। उतरेंगे यहाँ से लगभग अब 50-60 किलोमीटर के करीब अभी बचा हमारा। लगभग 100 किलोमीटर हमने एक्सप्रेस वे पूरा कर लिया, और 60-65 किलोमीटर के आसपास अभी हमारा आगे का सफर बचा। चलो जी, मेरा तो फास्ट है, तुम लोग खा लोगे कुछ? खाओगे? भूख लग रही है? ब्रेक लेंगे। चलो आगे लेंगे, पहले यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो खाना खा के चले।
कोई गांडी पांडी नहीं है, टोटल जंगल है यहाँ, खेती के अलावा यहाँ ना कुछ भी है ना। और वो है किकरवाड़ा वाला जो समार पहले ग्रेटर नोएडा ना पूरा उसी हिसाब को आप अपना खेत वेतन में खोल ले लो आपको। हाँ वो ये मैन मथुरा ही चल रहा है, बीच में है मथुरा के शहर में, शहर से थोड़ा बाहर वाला ये आई। हाँ थोड़ा बाहर बाईपास क्या है ऐसे से जय यमुना मैया पूरी दिल्ली पानी पी रिया सी, सारा मथुरा शहर है इधर। अच्छा एक बात है भाई, वातावरण साफ है, यमुना किनारे है ये, नंदलाल और राधा जी के साथ यमुना पुल नहीं है, यमुना घाट यही है। आया हूं मैं, सब दुख दूर हुए जब तेरा। तो जी कृष्ण नगरी मथुरा में आपका स्वागत है, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। वृंदावन उधर है, कृष्ण जन्मभूमि इधर है। मथुरा की गलियों में जी, यहाँ यमुना किनारा। फाइनली मथुरा पहुंच चुके हैं हम लोग, शांति तो नजर आ रही है भाई। देखो मथुरा में, मथुरा में शांति तो है, मथुरा में शांति तो है, ये मान लो शांत वातावरण है। थोड़ा सा लग रहा था कोई हॉर्न वॉर्न नहीं, कोई चीच पार्टी, बिल्कुल शांत। पता नहीं हम कहाँ आ गए, पता नहीं हम कहाँ आ गए, जय हो यहाँ पर। अच्छा एयरफोर्स है क्या इसको, स्ट्राइक एयरफोर्स है भाई यहाँ तो। देखते नहीं कौन सा अपना, देख के भाई हिसाब से चल रहे हैं। भरतपुर जयपुर वृंदावन गोकुल, भरतपुर की साइड जाना ना हमें तो। अच्छी पेंटिंग कर रहा है दीवार में का कलाकृतियां, मथुरा कैंट स्टेशन हेडक्वार्टर मथुरा कैंट। कृपया धीरे चले और आनंद जीवन जी। बिल्कुल जी मथुरा कैंट, और ये सीधा दिल्ली वाला रोड होगा मेरे हिसाब से। क्या हो गया, क्या हो गया खेरा जी, ऐसा हंस रहे देख रहे भाई के। बिल्कुल हुआ है, मतलब जैसे बहुत पहले प्राचीन न रहकर हमारे कभी फिल्मों में देखा वही। हाँ बिल्कुल भाई, देखी मंडी वही, मतलब की वही रहन सहन उसी टाइप का बिल्कुल। ना दीपक देखी हो ये बनिया की दुकान रह गई पटवाली जिनमें दो पट रह गए हैं, ऐसी रह गए ना। दे आप पंजाब नेशनल बैंक पर एड्रेस लिख रहा हूँ, इसके सामने एड्रेस तो लिख रहा हूँ पर है बिल्कुल ग्राम पंचायत रारर रारर है भरतपुर भैया। अरे ये तो यार भागने को कह रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भरतपुर, और भरतपुर से थोड़े से फल लिए हमें क्योंकि प्लान में थोड़ा चेंज है, अभी जो रास्ता थोड़ा लंबा था आज यहीं रुकेंगे, बाकी कल पहुंचेंगे भरतपुर।
खेड़ा जी तुमने तुम्हें डराई दिया एकदम अभी कैमरा बेकार आ रहा रात में भी दिल काट क्या कर सकते हैं कुमेर के पहुंचने वाले हम लोग तो जी तो सामने हमारे मुझे तो ये नहीं समझ जगत भाई हैं तो आज जहाँ तक आज यहीं रुकेंगे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे जाने के लिए तो आज जगत भाई के यहाँ रुकेंगे सामने भाई की गाड़ी है तो जी क्योंकि मंदिर रात को 8 बजे बंद हो जाता है बालाजी का तो शायद हम दर्शन कल करेंगे तो आज जगत भाई के यहाँ पे स्टे होगा आज का तो चलते हैं फिर आपको आराम से और आज का स्टे यही होगा अच्छा कैसे मेरा स्कूल से सवाल पहले मैंने पूछा तो ये हो पा रही कहां से हम लोग होटल पर लोग जय बालाजी सरकार। तो भैया मेहंदीपुर बालाजी गेट पे आ गए हैं सुबह सुबह। जय हो श्री बालाजी धाम। फाइनली सुबह सुबह पहुंच चुके हैं 7:15 बालाजी धाम पहुंचने वाले हैं। दो चार किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। अरे दो अब तो अब आपको सीधे मिलते लगा दी हमने बाहरी और अब यहाँ से जा रहे हैं आगे मंदिर की तरफ दर्शन करने। पार्किंग फ्री है बाहर रोड पर कहीं जहाँ जाके मेरा लगा दो नहीं वैसे तो लूट मचा रखी है पुलिस वाले यहाँ बैठे हैं। यहाँ से मंदिर लगभग 100-150 मीटर दूर है। बाजार लगा हुआ लगभग टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज गए तो 3 हमारे आगे जा रहे लोग 2 हम पीछे चल रहे हैं। चलो भीड़ है जबरदस्त सुबह सुबह का माहौल है। चलो तो यार कल क्या हाल होगा भीड़ का जो आज इतनी भीड़ है।
भाई भीड़ जबरदस्त है, मंदिर में हो रही है जी जबरदस्त भीड़। ये है बालाजी का मेन मंदिर यहाँ पर। फाइनली हम लोग लग रहे हैं दर्शन की लाइन में, तो मंदिर का सुबह टाइम है लगभग 7 बजे खुल जाता है और 9 बजे तक होते हैं दर्शन, शाम को 8 बजे तक होते हैं, भीड़ काफ़ी है। बेटा जी लाखों भक्तों की भीड़ बालाजी महाराज के मंदिर पे। ये हो बालाजी महाराज की जय। वो कब आओगे बालाजी महाराज, ओ जय जय जय। फाइनली बालाजी महाराज के दर्शन हो चुके हैं और भैरव बाबा के दर्शन भी हो चुके हैं, अब चलते हैं प्रेतराज सरकार के दर्शन। प्रेतराज सरकार की मंदिर
जी मैं मंदिर के दर्शन करते हुए निकल के यहाँ से। बारिश हो गई है शुरू, जबरदस्त बारिश है। मोम ले ले वीडियो में। बोलो जी बारिश हो गई है जबरदस्त बारिश। पानी भर गया जबरदस्त। भीड़ हो रही है, हमारे दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद अब भीड़ होगी मंदिर में ठीक ठाक। बारिश की वजह से अभी दर्शन शायद रुके हैं। तो चलो अब चलते हैं आगे। वो कहाँ गए दोनों हमारी गए। बोलो बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो तो फाइनली अब लोग हम यहाँ से निकल रहे हैं दर्शन होने के बाद। भीड़ हो रही है खचाखच, बारिश भी शुरू हो गई थी। वो है पीछे बंदे पहाड़ी का। भक्तों की भारी भीड़ प्रभु को चरण अमृत लेने के लिए ऊपर से इतना चरण अमृत बरस रहा है। आइए ले लो। हमें तो भोले बाबा ने बालाजी महाराज ने आसमान से उतार दिया चरण अमृत। चालू कर। चलो हेलो जी, फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति पीछे। जब मैं कहूँ ना जब स्टार्ट करिए तो यहाँ का एक बड़ा एरिया बड़ा आगे को आ जा। एक बार मुझे ले गयो पहला मुझे ला फिर फोटो खिंचना मन है जी। मैं तो वीडियो पा रहा गुफा दे विच। हाय अपना जी जय हो बालाजी सरकार आपकी सदा। तो एक गुफा टाइप बना रखी बड़ी शानदार। बारिश के बाद हमारी हालत हो चुकी है कुछ ऐसी। भीग चुके हैं पूरी तरह दीपक के हम ही जी। खेड़ा जी ये बैठे पीछे, खेड़ा जी की हालत, मेरी हालत बारिश में, गुरु जी ये बैठे, ऋतिक। तो चलो चलते हैं अब आगे। चलें जी आगे। चलो।